आएंगे, करोड़ों रुपए की लागत से बनेगा। 15 तारीख को, 15 अगस्त को हम झंडा लगवा देंगे एसडीएम से, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि 31 तारीख तक तो हम कर नहीं सकते। आई कार्ड बनने लग रहे, एसडीएम मतलब वो नहीं डेप्यूट हो सकते, कोई एसडीएम अपनी जगह से नहीं हिल सकता 31 तारीख तक। 31 तारीख के बाद मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, तो वो मेरा झंडा लगवा देंगे 15 अगस्त को, आप निश्चिंत रहो। और सब डिवीजन तो इन्हें मांगा भी कौन है, सब डिवीजन तो मुख्यमंत्री ने आपको दिया, जो मुख्यमंत्री का नाम ने वो कर रहे थे ना, आगे जाए से चमची मारे, मैं आने के खातर काम लाऊं, लेकिन अन्य तो नू ही रहनो से, और ये नू ही रहता है ऐसी पीछे लगू कहीं का। आप ये बताओ मैंने कब कहा था, कब मैंने वादे करे थे, आप भी कह रहे वादा करती है, मैंने तो कोई वादा ही नहीं करा कहीं चीज का। सब डिवीजन की कोई सोच नहीं सकता था, एक उप तहसील तय और सब डिवीजन बनवाना कोई छोटी बात है, सुनने में तो बहुत छोटी बात है, लेकिन जब काम करते हैं तो पता लगता है उस आदमी को कितना पसीना आता है। ये तो बावली बात करें, और जब बन का सारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, जब आप देखना एसडीएम होता क्या है, एसडीएम के बाद चलिए आप जो बात कह रहे हैं उस पर भी एक सवाल है। आपने कहा कि आपने वादे नहीं किए और ये बातें हो रही है, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, एक आप खुद नहीं आना चाहती थी फिर भी आप आई, और वहां की जनता से आपने वादे भी नहीं किए, लोगों ने आप पर फिर भी एतबार जताया, आपको चुना, जिम्मेदारियां बढ़ गई आपकी, और अगर आज आपसे सवाल हो रहे हैं तो फिर इस तरह के जवाब। खैर हमारे साथ विकास जी हैं, विकास जी क्या सवाल है आपका अपने विधायक से? अरे मैडम जी पूछो, रोड़ों का क्या हाल है? हाँ जी विकास जी कहिए, पहले अपने गांव का नाम बताइएगा। मैडम विकास यादव, पार्षद अकेली। पार्षद हैं आप जी, कहिए क्या सवाल है आपका? मैडम जी पूछिएगा रोड़ों का क्या हाल है, जिले के रोड़ों का, अटेली कनीना अटेली दोंगड़ा रोड के क्या हाल है? हेलो, आप अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखिए विकास यादव जी। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो रोड्स हैं, रोड की कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है, इस पे मैडम का क्या कहना है? चलिए अनीता जी क्या जवाब है आपका? नंबर एक तो यो नंबर एक तो भाई का दे, आज तक अटेली ऑफिस में आके बता के ना गयो, फिर भी मैं बताने लाग रही है, दुकान खोल कर सुन लेगो, बार बार नहीं बताऊंगी। आप करीना से अटेली और अटेली से राजस्थान का वो क्या नाम का नवास बैरियर, आगे कह दो काना का पर्दा साफ करके सुन ले भाई, 5 मीटर से 10 मीटर रोड चौड़ा करा दिया, और जिसकी कीमत है 125 करोड़, और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा ककराड़ा से और मंदोला का है, 125 करोड़ रुपया या तो नुका देख ना होया सैंक्शन, और हो गया तो फिर ना करनी चाहिए। अटेली में सब डिवीजन के अंदर ना उसके तहसीलदार बैठाया ना बैठाया तो पूछो, और 16 करोड़ की वो सीवरेज बनवानी चालू करी कि ना करी वो पूछो, और 8 करोड़ लगाया कि ना लगाया इनके नालियों में सीवरेज में पानी पूनी की व्यवस्था में, ये पूछो, और 2 करोड़ हमने इनकी अनाज मंडी में लगा दिया बिना कित रह से हो, मैंने कदे ना मिला, मैं उती घूमती रहती हूँ, मैं तो लोकल हूँ, वहीं रहती हूँ वहीं मिलती हूँ, कदे भी ना कोई बात बताई, कहीं उतरा और की बिना आते विधायक का नाते बता देता कि बेबे तेरा लागिया बात से, और ये बिना मतलब की कोई बात करे, कोई व्यक्तिगत समस्या हो या कोई पार्टी की समस्या हो, तो मेरे कहने पार्टी की समस्या का तो समाधान नहीं, और इतना काम कराने के बाद हमारे साथ रामविलास जी हैं। रामविलास जी आपका क्या सवाल अपने विधायक से? हेलो, हाँ जी कहिए, पहले अपने गांव का नाम बताइएगा उसके बाद सवाल रखिए। ताजपुर गांव है जी मेरा। हाँ जी ताजपुर, ताजपुर गांव है, और क्या समस्या है? अभी अनीता जी ने एक भाई अमित नाम से नाम पूछा, उसने लिस्ट के बारे में पूछा MPW की, अनीता यादव कह रहे हैं सरकार का काम है, ये भी तो सरकार में बैठे हैं, जिनका भी कोई काम होगा, ये CPS बने बैठे हैं तो कुछ तो पता होगा जी लिस्ट के बारे में, बेरोजगार धोखा कर रहे हैं जी, तो कुछ मैडम कुछ तो बताएं जी, परेशान हो रखे हैं, 10-10 महीने इंटरव्यू नहीं होंगे। चलिए इस बात का भी जवाब लेंगे, और ये अमूमन ये सवाल एक ऐसा है जो हर विधायक से पूछा जाता है, जो हमें कहे कि जनता अपनी जगह सही है। राम किशन जी हमारे साथ में है। हेलो, हाँ जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी, बहन जी अनिता जो हमारी विधायक है अटेली से, वो हमारे इलाके में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं जी, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है जी यहाँ पर। चलिए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, तो कुछ लोग संतुष्ट हैं तो कुछ नाराज हैं, हम ये कहेंगे कि व्यक्तिगत बातें अगर ना हो, स्पष्ट निष्पक्षता अगर आप रखते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। हमारी गुजारिश है कि बाकी दर्शक भी हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अटेली की जनता को आज मौका मिला है अपनी बात करने का, अपने विधायक से सीधे सवाल करने का।
बातचीत और भी बरकरार रहेगी। अनिता यादव के विधायक बनने और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अटेली के लोगों को विकास की उम्मीद थी, लेकिन अटेली में अब भी उम्मीद के मुताबिक विकास नहीं हो पाया और तमाम तरह की समस्याएं लगातार बनी हुई है। अटेली के विकास और समस्याओं की बात जब कर रहे हैं तो एक रिपोर्ट पहले हम आपको दिखाते हैं। दक्षिणी हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिले का अटेली विधानसभा क्षेत्र व्यवसायिक तौर पर पुराने समय से ही अहम रहा, लेकिन शायद वक्त के साथ ये नहीं चल पाया और विकास के मामले में पिछड़ गया। 2009 में कांग्रेस के विधायक चुने जाने और कांग्रेस की सरकार आने के बाद यहाँ की जनता को उम्मीद थी कि विकास होगा, लेकिन विकास ने यहाँ उस तरह दस्तक नहीं दी जिस तरह अटेली को जरूरत। अटेली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत बेहद खस्ता है। अटेली हल्के की सड़कों की दुर्दशा ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। वही बारिश के मौसम में सड़कें पानी से लबालब हो जाती है। यहाँ समस्या महज सड़कों तक सीमित नहीं है, और भी कई मूलभूत समस्याएं लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। यहाँ अस्पतालों की हालत भी ठीक नहीं। अटेली के अस्पताल में डॉक्टर ही नदारद है। अस्पताल स्टाफ के लिए बनाए गए रिहायशी मकानों की हालत पूरी तरह जर्जर पड़ी है। वहीं साथ ही इलाके के लोगों को बिजली की समस्या से लगातार जूझना पड़ रहा है। बिजली की आपूर्ति सही न होने से लोगों में रोष है। कनीना की सीवरेज व्यवस्था भी बदहाल है। कई इलाकों में अभी तक सीवरेज लाइन शुरू ही नहीं हो पाई। साथ ही सब डिवीजन का दर्जा दिए जाने के बाद भी यहाँ अभी तक SDM की नियुक्ति नहीं हो पाई। उधर अटेली हल्के में महिला कॉलेज और ITI की मांग भी लंबे समय से अटकी पड़ी है। वहीं युवाओं के लिए रोजगार की कमी भी यहां बड़ी समस्या है। हालांकि अटेली में विकास भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने यहां रैली कर कई घोषणाएं भी की। कनीना को सब डिवीजन का दर्जा दे दिया गया है तो कनीना के पितामह कान्हा सिंह कॉलेज को सरकारी कॉलेज का दर्जा मिल गया है। वहीं अटेली को भी उप तहसील का दर्जा दे दिया गया है। हालांकि अटेली मंडी में उम्मीदों और घोषणाओं के मुताबिक विकास नहीं देखने को मिला, लेकिन अटेली एक बार फिर चुनाव के लिए तैयार और विकास की बात जो हो रही है। अटेली से उमादत कौशिक के साथ दीपक कौशिक की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को देख के आप बाकी चीजें समझ गए होंगे। अटेली की समस्याओं का हमने जिक्र किया, अचीवमेंट्स की भी बात हुई। ऐसे में अब आपको एक बार फिर से मौका दे रहे हैं कि आप अटेली की जो भी जनता है अटेली के बारे में यहां पर जुड़कर अपने विधायक से सीधे सवाल कर सकते हैं। अगर आप उनके किए हुए कामों से संतुष्ट हैं तो भी जुड़िए, और अगर आपको लगता है कि नहीं, जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए, वक्त गुजर गया, दोबारा से अटेली का मैदान सज चुका है, हमें कहें कि चुनाव सर पर है, ऐसे में नाराजगी है, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अनिता यादव जी, बहुत सारे सवाल आपके लिए। अमरजीत हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। अमरजीत जी, आपका क्या सवाल है? जी बहुत ज्यादा विकास करा है मैडम ने हमारे यहाँ पे हल्के में, बहुत ज्यादा विकास कराए हैं हमारे यहाँ पे। जैसे बहुत सड़कों का मरम्मत कराई है मैडम ने यहाँ पे, और हमारे एजुकेशन में बहुत बढ़िया काम किया है मैडम ने, बहुत कुछ किया हमारे। लेकिन हमारे एक और डिमांड है जी, मैडम ने बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, एक ITI होना चाहिए था, एक ITI होना चाहिए था। चलिए, बिल्कुल ये सवाल है जो वाजिब भी है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अनिता जी, ITI का भी जिक्र हुआ जो कि लाजमी है, दूसरा महिला कॉलेज का जिक्र है जो हम आपसे करना चाह रहे थे कि उस पर काम क्यों नहीं हुआ। मैडम, ITI सुजापुर के ग्रेड बढ़ा दिए। मैं आई जब ITI में केवल 2 कमरे थे, और आप अपने मेरे से आप व्यक्तिगत बात करो और जाके चेक करवाओ वहां पे जाके उसमें मैदान में क्या वाकई में गलत हो रहा है। आपके तो ये जो बीच में ब्रेक लिया यही सारी गलत कह गया, मेरे को तो शर्म आई सुनकर भी, हद होगी। सुजापुर की ITI में आप खुद अपने उसको भेजो भाई को, आपके डिपार्टमेंट वाले को, कि क्या उसमें ग्रेड बढ़े कि नहीं बढ़े, क्या ITI की चार दीवारी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा कि ना सुधरा, उसमें बोरवेल हुआ कि नहीं हुआ। और ITI का भोजावास का लंबित था पिछले टाइम से, मुख्यमंत्री ने कहा 27 तारीख ने पत्थर लगा दिया, काम शुरू हो गया, बताओ कहाँ दिक्कत रहेगी। और 9 महीने में बन के तैयार हो जाएगी, पैसा पास हो गया, 6-7 करोड़ में ITI बनती है, 1-1 रुपया में ITI बने नहीं। बजट भी आपको पता है, बजट भी पास होता है, बजट सेशन भी हुआ है,
मार्च में तो बजट सेशन हुआ, पैसे पास हुए हैं, आज जुलाई हुई से मुख्यमंत्री काल 27 ना के गए से, आज 28 तारीख हुई से, और ना भाई ने कह दो कि भाई पत्थर जाके देख ले वो जावास का आईटीआई का। पत्थरों की क्या बात, रोजाना पत्थर लग रहे हैं। सवाल ये है कि वो पूरे कब होंगे? आपने कहा कि करोड़ों का बजट आता है, यहाँ तो अरबों की घोषणाएं हो जाती है, तो उस पर तो सवाल लाजमी हो जाता है। पत्थर लग गए ये काफी नहीं है अनीता जी जो आप कह रही हैं। वेद प्रकाश जी हमारे साथ एक दर्शक है, वेद प्रकाश जी आपका क्या सवाल है? चलिए लगता है संपर्क टूट गया है, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप कनीना का जिक्र आ रहा है, बहरहाल अटेली की हम बात कर रहे हैं, अगर आप अटेली के काम से संतुष्ट हैं तो भी जुड़ सकते हैं। अनीता जी, शिक्षा व्यवस्था जो आप जिक्र कर रही हैं, क्या काफी है अटेली के लिए? देखो मैं ये कहना चाहती हूँ, वैसे तो टोटल की बात करें महेंद्रगढ़ की, तो अब शिक्षा का हब हो गया, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में 7 किलोमीटर के ऊपर हमारे स्कूल ऐसे थे जो अपग्रेड होने थे। हमारी बेटियां ट्रक में उनमें लद लद के जाया करती, बाहर टाटा में, ऑटो में, ये जो चल रहे थ्री व्हीलर इनमें, बसा में, मोटरसाइकिल पर छोड़ के आया करते। तो हमने ये व्यवस्था की है कि हर 5-7 किलोमीटर पर जो बड़े गांव हैं, जो छोटे गांव से लिंक जगह पे हैं, तो हमने वो जगह जगह पर एक तो ये स्कूल अपग्रेड कराए हैं बच्चियों के लिए। हमारी बेटियां, क्योंकि हमारे मैं गांव की हूं, मैं समझ सकती थी इस बात को कि जी हमारे को हमारे पेरेंट्स बाहर नहीं भेजते, तो इसलिए हम हर 5-7 किलोमीटर पे बड़ा गांव जहाँ पे है, सब जहाँ पे असेंबल होते हैं, उस स्कूल को हमने अपग्रेड करवाया है। ऐसे करके 7-8 पॉइंट थे, जैसे कि गणियार ना, जैसे कि चंदपुरा, जैसे कि बोचड़िया, जैसे कि अटेली मंडी, जैसे कि चल के आ जाओ इधर सुंदर है, ऐसे करके चल के आ जाओ बूढ़ा, तो चल के आ जाओ शेलंग, ऐसे करके हमने ये स्कूल अपग्रेड। महिला कॉलेज का भी जिक्र आएगा। संजीव जी आपका क्या सवाल अपने विधायक से? हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी विधायक जी कि हमारे जो रोड है दिल्ली के, इनकी हालत बहुत ही खराब है। हाँ जी, इनका कब सुधार होगा? या किस गांव से हैं आप? अपने गांव का जिक्र कर दीजिए। अटेली से ही हूँ जी मैं। आप अटेली से ही हैं अनीता जी, सड़कों ने तो आपके सवाल ही सवाल बढ़ा दिया अनीता जी, बार बार ज्यादातर सवाल सड़कों को लेकर आ रहे हैं। और एक बात आप भी बखूबी समझती हैं क्योंकि आप भी फार्मेसी से आपने स्टडी की हुई है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र की बात करें, विधानसभा की हो या लोकसभा की हो या फिर हम किसी राज्य की बात करें, देश की बात कर ले, ये कहा जाता है कि सड़कें बेहतर है तो विकास खुद अपने आप में काफी होता है अपनी कहानी कहने के लिए। सच्ची बात है ये, जो भी मैं तो गांव की बात भी कहती हूँ, गांव का विकास भी, उसका परिदृश्य भी उसकी पणियारियों से और गोबर के बटोरे से पहचाना जाता है। तो सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का मेरा भाई बार बार जो उठा रहा है बिल्कुल सही उठा रहा है, लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छे तरह से जानती थी कि अब की बार हमारी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जब हमारा एनसीआर में एरिया महेंद्रगढ़ आओगा, इबो बागगढ़ और इबो सूखा कोने रहा, जो वो उसकी बात करते थे हम स्लेब प्रणाली की, चौधरी बंसीलाल जी का टाइम में स्लेब प्रणाली लागू हुई थी। लेकिन आज मुझे ये पक्का भरोसा था कि आज हम एनसीआर में आएंगे, अगर मैं छोटी मोटी रिपेयर उसकी करा देती तो हमारा जो ये 5 मीटर का जो रोड है ये 10 मीटर में तब्दील नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने बार 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 इस रोड को मेरे भाइयों को बता दिया, सुनने वालों को, आखिर कनीना से अटेली और अटेली से कानावास माजरा तक का जो रोड है, जो राजस्थान बॉर्डर तक जाता है वो, और ककराला से मंदोला तक का जो टुकड़ा है, ये 5 मीटर का जो रोड है ये हमने 10 मीटर का करवा दिया और चौड़ा करा दिया। एक भाई का और क्वेश्चन आया था कि भाई दोंगड़ा हीरसेर वो रोड आगे कैसे बन के जाएगा, मैं उस भाई को कहना चाहती हूँ दोंगड़ा हीरसेर और जिगावन तक का रोड बन गया। इस पर भी सवाल रहेंगे। देवेंद्र जी हमारे साथ में, देवेंद्र जी आपका क्या सवाल अपने विधायक से? हाँ जी नमस्कार जी, मैं मुझे ये पूछना है कि जो अटेली में मेन बस स्टैंड है, पिछले 20 साल से ना तो उसमें सफाई व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना यात्रियों की बैठने की व्यवस्था है। ऊपर से जब विधायक जी से कोई भी सवाल पूछ रहा है, ये उनको अशांति से जवाब देने की बजाय उन पर चिल्ला रहे हैं, उन पर गुस्सा निकाल रहे हैं। तो ये एक जो अच्छे नेता होता है, एक जो उसका बिहेव ठीक होना चाहिए ना, आगे उनको वोट भी लेना, आगे भी उतरना है। मानते कुछ काम इन्होंने अच्छे किए हैं, लोग कुछ नहीं हो पाए, कमिटमेंट जो करते नहीं भी हो पाते कभी, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि शांति से सवाल सुने, शांति से उसका जवाब दे। आप बताइए बस स्टैंड जो अटेली मेन बस स्टैंड, उसकी क्या हालत है, पूछिए विधायक जी से। आप अनीता जी आपने सवाल खुद सुना, आप बखूबी जवाब दे सकती हैं ये क्वेश्चन तो। हाँ भाई साहब को बता दो जी,
अगर मैंने आपको बताया कि भाई मेरा से 15 साल का जो बिगड़ा हुआ स्ट्रक्चर है ये मैं लिख कर भेज रही हूँ, वाकई में पानी भरता है, और भाई से ज्यादा मैं भी उठ के निकलू हूँ, मैं भी अटेली मंडी में। ये भाषा का परिवर्तन हो जाता है हर 15 किलोमीटर पे। उड़ान जी का रहे की भाषा है, थोड़ा सा हम साल लवास में जाटा मरे आए हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको भाषा कल्दी लगती है। नहीं मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि भाषा की बात होती है। हमारे साथ एक और दर्शक है, एस श्रीधर श्यामलाल जी है, क्या सवाल है आपका अपने विधायक से? ये जी हमारा सवाल ये है की अपने मैडम बोलती है की हमने मैंने हल्का सा लवास का बहुत विकास किया, बहुत विकास किया हमारे अकेली मदनपुर के अंदर, अपने 2007 के अंदर ये पैसे उठ के आई थी, अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है हरित चौपाल के लिए। दोबारा से अपनी बात रखिएगा, दोबारा से आप हरित चौपाल का जिक्र करें। हाँ जी, मैं एक्स विधायक श्यामलाल बोल रहा हूँ, एक्स हल्का सा लवास। अपने मैडम जी बोल रही है की मैंने हल्का सा लवास का बहुत विकास करवाया, लेकिन ये हमारे हरिजन चौपाल गांव अकेडी मदनपुर के लिए 1,50,000 रुपए 2007 में सांसद दीपेंद्र के सामने यहाँ भर के आई थी, वो पैसा अभी तक किसने नहीं भिजवाया है। चलिए अनिता जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि बस स्टैंड वाला जवाब भी अभी रह गया है, वो भी अटेली का मेन बस स्टैंड। आप बस स्टैंड का सुनोगे कि अकेली का सुनोगे? दोनों के ही दे दीजिए जवाब, दोनों ही दर्शक आपके, दोनों ही वोटर, दोनों वोटर आपके ही थे मैडम। अकेडी का जी जी मेरी बात सुनिए, अकेडी की बात करूं तो मैं आज 7 करोड़ रुपया अकेडी में लग गया। भाई श्यामलाल की कोई ऐसी कोई व्यक्तिगत समस्या थी तो भाई ना के नहीं बताई होगी, और अब तो हमारी बहन जी की तब उकल है वहां पे, और भी मतलब वो कैबिनेट की मंत्री है, और व्यक्तिगत भी हमारे जो सांसद है दीपेंद्र होगी, और इतना बड़ा हल्का है, मेरा तो पुराना भाईचारा है इनसे श्यामलाल से, और जाकर देख लो स्कूल अपग्रेड हो गया, स्कूल का जीर्ण शीर्ण हो गया, तो एक उसमें 1.5 लाख की के बात रखा था, 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया हम अकेडमी में लगा चुके, सारा गांव ऊपर उठ चुका, सारा गांव मैडम वहां पे दलदल में था पहले, और उन सड़कों को ऊपर उठाया, उन गलियों को ऊपर उठाया, स्कूल को ऊपर उठाया, और फिर भी अगर भाई को कोई बात रह गई है तो उस बात के लिए मैं अभी हमारी वहां से कैबिनेट मंत्री बहन जी गीता भुक्कल जी उनसे कह के करवा दूंगी, कौन सी बात होगी उसमें, और एमपी साहब हमारे रोज जाते रहते हैं। चलिए हमारे साथ मुनिलाल जी हैं, आपका क्या सवाल है अपने विधायक से? मुनिलाल जी अपने गांव का नाम जरूर बताइएगा। गांव का नाम है जी देवर। हाँ जी देवर नाम है जी, देवर गांव। चलिए अपनी समस्या बताइए। समस्या ये है जी अपने विधायक इतने अच्छे है, एक बार वोट लेने आते फिर 5 साल तक आते नहीं है। अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखिए, स्पष्ट तरीके से। समस्या आदि समस्या ये है कि मंदिर के पास गांव के पास जो भी खड्डा है और 5 साल हो गए वो पूरी अब तक अनिता जी ने नहीं बढ़वाया है। चलिए आपकी बात का जवाब ले लेते हैं अनिता जी। मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल मैं बोलूं जी। वो बेवल का जो मंदिर का बेवल का जो मंदिर है बस स्टैंड पे है, और उसमें सारे गांव का जो पानी है वो पुलिया का, ठीक कह रहे हो भाई, अगो पानी का सारा निकास पुलिया का नीचा कैसे, लेकिन वो कुछ पानी जो है नाली का वो ऊपर से आ जाता है रोड का ऊपर तक, जब मैंने बताया ना जिगावन तक रोड बन चुका है जी, और वो रोड बनता बनता अभी यहाँ आ जाएगा कनीना, और कनीना से सेलंग, सेलंग से बागो तो कचरिया चला जाएगा। तो बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि काम हमारा वहां पे चल रहा है। एक भाई ने पूछा था दोंगड़ा ईर से वो सड़क चल पड़ी है, लेकिन अब कुछ बादल हो जाते हैं तो काम हम रुकवा देते हैं, तो जिगावन तक भाई को कह दो कि सड़क बन चुकी है, बनती बनती पीछे से आ रही, लेकिन थोड़ा सा मौसम की तब्दील से ये काम आगे, ये बेवल से कनीनार, कनीनार से बागोत अपने गाँव का नाम भी हमें बताइएगा। हेलो हेलो। हाँ जी अजीत सिंह जी कहिए। मैडम हमारे गांव में जो है नावडिया खरम नारोल अटली रोड पर जगह है, वहां से ये रोड जाता है, जो आज तक कितनी बार मैडम को हमने कह दिया, लेकिन अब और ना तो पक्का हुआ ना ही 70-70 किलोमीटर जाते हैं, और हमारे गांव में विकास नाम की कोई चीज नहीं है बिल्कुल। गांव का नाम दोबारा से बताइएगा। भीलवाड़ा। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े अजीत। हमारे साथ एक और दर्शक है, अजीत जी आपका क्या सवाल है? मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि रेवाड़ी और जो अपने भिवाड़ी में रोहतक में जो सैनिकों की भर्ती होती है, लेकिन हमारी अटेली में आज तक कोई भी सेना की भर्ती नहीं हो पाई है। चलिए
बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। अनीता जी जी दो बातें हैं। हाँ दोनों के बारे में कट गया भाई। नहीं अनीता जी कटा नहीं है, आप दोनों के बारे में जवाब दो दीजिएगा। दो बातें हैं, एक तो भीलवाड़ा वाले भाई ने पूछा। जी जी हाँ मैं दोनों के बारे में दे रही हूँ जी। नंबर एक तो भीलवाड़ा नावड़ी मोड़ की बात आई जी, चार कर्म का रास्ता है। ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। भीलवाड़ा में हमने सबसे छोटा गांव है, छोटे से छोटे गांव में 60 से 70 लाख रुपया लगा दिया गलियों के विकास कार्यों के लिए। सुभाष वहां का सरपंच है, ठीक है। ये भी नू कहा कि भाई सरपंच अन्यू कर दियो न्यू कर दियो, तो भाई पंचायती राज की बात है। और नावड़ी रोड से भीलवाड़ा के लिए चार कर्म का रास्ता है। चार कर्म के रास्ते को जी अभी सरकार के पास प्रावधान नहीं है, हमने पक्का कराने के लिए मुख्यमंत्री जी की उसमें अगर हम रखते तो मुख्यमंत्री जी की उसमें घोषणा में नहीं आ रहा था, नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहा था, नंबर एक बात, क्योंकि चार कर्म का था। अगर वैसे बनवाते तो जी इसमें कम से कम 70-80 लाख रुपया लग जाता, तो पैसे तो बहुत लिमिटेड मिलते हैं। 108 गांव है ढाणी मिला मिलू के, तो आप जानते हैं हर गांव में पैसा तो भाई बटका ही मिला है ना, तो हाथ को ना कि भाई एक गांव में मैं बटोड़ा चौपड़वा दूं। तो कहने का मतलब चार कर्म का रास्ता है, वो मेरे इस नॉर्म्स में मुख्यमंत्री की घोषणा। हमारे साथ राकेश जी हैं। राकेश जी क्या सवाल है आपका? मैं हेलो हाँ जी कहिए। मैं तो पूछना चाहता हूँ ये अटेली से महेंद्रगढ़ के बीच में आज तक कभी रोडवेज की बसें चली नहीं है, तो ये अनिता यादव जी पहले भी इस चीज का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कॉलेज वाले बच्चे सब परेशान होते हैं, लड़कियां परेशान होती है, लेकिन इसके बीच में कभी भी रोडवेज निकली है, टेम्पू चलता है, टेम्पू में बच्चे जाते हैं, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं यहाँ पे, तो इसका कोई जवाब देखा मैं इनके पास? चलिए आपकी बात का जवाब जरूर लेंगे। हमारे साथ सुभाष जी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी आपका क्या सवाल है? मैडम मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे विधायक अनीता यादव जी जी जिन्होंने बिना कहे कि अपना तहसील बनवा दिया, अपना एसडीएम बैठा दिया जहाँ पे कनीना में, एक सब तहसील को बैठा के सब डिविजन बनवा दिया है, और जो कि एक अटेली सब तहसील थी उसको तहसील बनवा दिया है, ठीक है जी। और ये अभी भोजावास में आईटीआई का पत्थर रखवाया है, और ये जो सुरजापुर आईटीआई अपग्रेड करवाया है उन्होंने, इतने काम करवाने के बावजूद भी लोग कई मेरे भाई कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम तो कहते हैं कि ऐसे बार बार विधायक आने चाहिए। चलिए ये आपके ख्याल है, उसका भी सम्मान करते हैं, जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनके लिए फिर संतुष्टि भरा जवाब भी चाहते हैं विधायक से। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, बाबूलाल जी कहिए। हाँ जी मैं जी हेलो हाँ जी कहिए, आपका क्या सवाल? अपने गांव का नाम जरूर बताइएगा जी। बेवर गांव है मेरा। हाँ जी बेवर बेवर। चलो ठीक है बताइए क्या कुछ आपकी समस्या है। ऐसा जी मैडम जी आप ये पूछो, पहले तो आप बेवर गांव के लिए इन्होंने 1 रुपए भी दिया हो तो पूछो। और 1 रुपए भी अगर दिया हो बेवर गांव के लिए इन्होंने, और कभी बेवर गांव मारती भी नहीं है। और दूसरी 2-3 कामों के लिए हम गए थे, हमारे बच्चा बीमार हो गया था उनके लिए कागज जमा करवाए थे, और उनका अभी तक बोली मुख्यमंत्री से पैसे पास करवाऊंगी, अभी तक कोई 1 रुपया भी पास करवाने के नहीं। गरीब परिवार का बालक था वो मर गया, उनका 18 लाख रुपए लगे थे और मैं स्पेशल जाकर मिला था। आप हमारे साथ फोन लाइन पे रहिए, आपका सवाल सीधा पहुंचता है और आप खुद भी जवाब सुन सकते हैं। अनीता जी ये बहुत संवेदनशील बात निकल कर आई है। बिल्कुल ठीक है, मैं तीनों बातों का जवाब दे रही हूँ जी। बेवड़ गांव में या 108 गांव में जी मेरी और मेरे घरवाले की, मतलब मैं बेवड़ की व्यक्तिगत बात करती हूँ, बेवड़ की कम से कम 20 बार तो मेरे घरवाला गया डॉक्टर ओमकार, ठीक है। और मैं रोजिना बेवड़ का अड्डा पर कर निकलू, कम से कम ज्यादा ना है तो 35-40 बार मैं जाया ही हूँ, सुख में दुख में। ऐसे खुद भी पूछो कोई मरे हो कुछ जियो जब, या भाई ब्याह सगाई हुई या कहीं का बात छुच्चक होया या कहीं की बकरी बीमार हो तो पशुधन बीमार हो, अगर अनिता ना पूछी हो तो। नंबर एक आप मेरी बात सुन लो, दूसरी बात संजय ब्रह्मचारी इन्होंने सरपंच बना दिया, आप ये बात आरटीआई निकलवाना, आरटीआई जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वो है जो वो निकलवाना, और उसमें ये पता कराना अगर जो गलत बोल रही है अनिता यादव तो जो मर्जी सजा दे देना, और मैं उस गांव का पाव का तड़ा के निकल जाऊं और गांव का बीच में जाकर माफी मांगू। संजय ब्रह्मचारी वहां का सरपंच बना दिया इन्होंने भारी बहुमत से, वो फिर भाज गयो कित केजरीवाल कने,
और पता नहीं उनका केस कास होगा क्या हो गया, मुझे नहीं पता किन कारणों से क्या हुआ, लेकिन 58 लाख रुपया मैंने 10 बार डीसी को कह दिया भाई पंचायती राज मजबूत हो गया। मैडम मैं क्या कर सकती हूँ, पंचायती राज के माध्यम से हम सरपंचों से काम कराते हैं। एज पर नॉर्म्स मैंने 3 महीने के बाद बीडीपीओ को कहा, बीडीपीओ बोला कि जी ईव करा जाऊंगा, ईव करा ये भी जानेंगे। हमारे साथ एक और दो दर्शक जुड़े, उनके भी सवाल ले लेते हैं। अनीता जी, अनूप जी हमारे साथ में जुड़े हुए, अनूप जी कहिए क्या है आपका सवाल। जी मेरा सवाल मैं ये कहना चाहता हूँ, विधायक जी आज जो कह रही है, अभी एक भाई के सवाल का जवाब दे रही थी कि कृपया अपने कान के पर्दे खोल लो। तो जब आप विधायक जी से ये पूछो, 4.5 साल पहले जब वो वोट मांगने आए तब उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि अपने कान के पर्दे खोल लो, अपने कान के पर्दे खोल करके बात करो। और आप धरातल पे आके देखो विधायक जी, आप अटेली में कहां आप घोषणाएं करने लग रहे हो, पैसा एक भी कहीं नहीं लगा है। सारा पैसा विकास का, जो जितने भी पैसे ये बता रहे सब 400 में ही है। चलिए, अटेली का बहुत बुरा हाल है, आप देखो तस्वीर देख रहे हो आप, हर जगह पानी पानी, बहुत बुरी हालत पड़ी हुई है यहाँ पर अटेली। हमारा सर्वे तो खैर हम समझ रहे हैं, अरे पहले तो भाई घूमड़ा निकल जाएगा। मैं बोलूँ वो भाई बोलेगा, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। मैंने जवाब देना है कि उस भाई ने देना है। नंबर एक तो उस बेवलाड़ा भाई की बात रहेगी, भाई उसका वो बच्चा बीमार था, फाइल मेरा काम थोड़ी मुख्यमंत्री रहा, तो उससे भाई मुख्यमंत्री देंगे पैसे, तो मैं तो एक एक इनका चौकीदार हूँ, और मैंने ठाक फाइल ले दी और चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में पहुंचा दी, वो की तो प्रोसेस में होगी, पाइपलाइन में होगी, मैं उसका बारे में क्या बोलूं बताओ। एक मुख्यमंत्री का रात को से, मैं तो एक बहन के नाते एक भाई को बताया था, भाई एक मुख्यमंत्री शैल कोष है, उसमें से अगर कोई आपके साफ सुथरी बात होती है तो आपको वहां से मदद मिल जाती है। मैंने तो एक बहन के नाते बताया था, भाई मैं कोशिश करके देख लूंगी, तू मैंने फाइल बना के दे दे, ये हो तो मैंने प्रसाद मिलो। दूसरी बात ये, अगर भाई मैं कान खोल के भी रहती हूँ और आंख खोल के भी रहती हूँ, और गाँव की बात मैडम आप क्यों मेरे से सुनते हो, और आप आरटीआई निकलवाओ, कितना पैसा किस गांव में लगा, किस स्कीम के तहत लगा, अपन पर तो हो नहीं, दूसरे गांव में अपने व्यक्तिगत अपने स्टाफ को भेज कर देख लो। और यो भाई कह रहे हो, जो कितनी बार मेरे तो नोट कराना आयो, भाई को नाम बता दो। हमारे साथ ओमजीत जी हैं, आपका क्या सवाल है अपने विधायक से। जी मेरा क्वेश्चन ये है जी मैम से, कि जो हमारे जो अटेली मंडी में सर सेना की आज तक कोई भर्ती नहीं हो पाई है, क्योंकि जो हमारी जो भूमि है, जो वीर बापूरों की भूमि रही है, तो आगे से मैं ये सोच रहा हूँ भिवाड़ी में हर हरियाणा के हर मतलब इलाके में भर्तियां होती है, लेकिन अटेली में आज तक सेना की कोई क्यों भर्ती नहीं हो पाई। चलिए ये तमाम जवाब लेंगे। अनीता जी मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ऐसे कौन से काम रह गए जो ये सोचती हैं आप कि मुझे कराने चाहिए था या फिर दोबारा मौका मिला तो कराऊंगी, क्योंकि नाराजगी तो आपको लेकर है लोगों में, ये हमने स्पष्ट देखा है। जी आपको ये कह सकती हूँ, जी गणेश जी तो सोना का कोई ना दर ग्राम है, और जितना विकास कार्य हमने पीछे कराया, जो भाई कैसे 7-7 करोड़ जन गांव में लग गया, गांव का गांव ऊपर उठा दिया, तो यहाँ पे तो टाइम लग गया जी मन, और मेरे को तो 4.5 साल, और जो सबको जो 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 गुड़गांव में रह जाकर उनने 15-15 साल, मीठा बोलो काम मत करो कुछ भी, उरे कैप्सूल दिए जाओ, ये इलाका कैप्सूल खान जोगा हो रहा, बताओ कोई बात है ये। आप एक खेड़ी में जाकर देखो, काटी में देखो, नाउदी में देखो, रामपुरा में जाकर देखो, शुरू से देखो ना, आप सराय में जाकर देखो, हम बोलते हैं कूणा था, सुरानी में जाकर देखो, और उसके बावजूद बढ़ते बढ़ते बाछोद में आ जाओ, बाछोद में खेता तक रास्ता गलेगा, 2-2, 4-4 करोड़ रुपया लग गया। ये भाई की सो तो मेरे 4.5 साल किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बहुत हुआ करते हैं अगर नियत होती है तो। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी, आपने वक्त निकाला अटेली विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत सी बातें निकल कर आई, दोबारा भी आपको मौका देंगे और बाकी के विधानसभा क्षेत्र लाएंगे, और विधायकों से भी अपील करते हैं कि वो भी वक्त निकालें अपने प्रदेश की जनता के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, क्योंकि दोबारा उनको जाना है उनके बीच में। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। देखे गए घेड़े ने पढ़ लो, पढ़ लिख के थम आगे बढ़ लो, बिना पढ़े इब कोई रहे ना, पाके शिक्षा शिखर पर चढ़ लो। अरे नसीब है तू आजकल बड़ी बालका की पढ़ाई लिखाई पर जोर दे रहा है। भाई जिंदगी में बदलाव दो चीजा आया करे, एक तो मेहनत और दूसरी शिक्षा। मेहनती तो हम सदाते रहे सा, हाँ शिक्षा में थोड़ी सी कमी रहा करती, क्योंकि स्कूल की महंगी फीस भरने का हमारा ब्यौत तो था नहीं,
बस पीढ़ी दर पीढ़ियां मजदूरी करे जाया करते। पर भाई मारी इस कमी का समाधान करे हरियाणा सरकार ने। सरकार ने मारी मजबूरी और मारे बड़का की शिक्षा की जरूरत समझी और प्रदेश में इसी बड़ी